गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका गुरुकुलम क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसे कल हमने डिस्कस की थी कि भाई टेस्ट जो है वो पढ़ा रहे थे, उसका कुछ शेष पार्ट जो रह गया था उसकी वीडियो के लिए आज के लिए बोला था। तो सबसे पहला इसका एक और रूल हम बता रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें सबसे पहला आता है टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शन, यानी जो आदत स्वरूप जो कार्य होते हैं उन कार्यों को करने के लिए हमें कौन सी वर्ब फिल करनी पड़ेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फिल करनी पड़ेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी हेल्पिंग वर्ब डू और डज ये हम यूज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव, इन दोनों में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब, जो वर्ब की बात अगर आएगी तो वर्ब में आप कैसे भरोगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये कौन सा टेंस है, क्या भरा जाए इसमें। तो इसलिए हम पहला टॉपिक हमने दिया है टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शन, यानी कुछ आदत स्वरूप वाले जो कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन आ रहा है, सेकेंड पर्सन आ रहा है, थर्ड पर्सन प्लूरल आ रहा है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और नेगेटिव इंफिनिटिव में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी सेंटेंस में यदि आपका सब्जेक्ट आ रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया है, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया है आई ब्लैंक आउट फॉर ए वॉक दिल्ली, सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिया है माय फादर ऑलवेज ब्लैंक द ऑफिस इन टाइम। अब आपके साथ आपके पास एक प्रॉब्लम आई कि इनमें हम कौन सा टेंस यूज करें। अगर आपको याद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो किसको करता है, वो हैबिचुअल के लिए आता है। हैबिचुअल मतलब जो नियमित रूप से लगातार जो कार्य किया जा रहा है वो आपका हैबिचुअल में आता है। और दूसरा उसी के साथ हम भरेंगे वर्ब फिल करेंगे परफेक्ट इंडेक्स की आ जाएगी। लेकिन हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट अपना कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल है। यदि अपना सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और यदि अपना सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या हो जाएगा, गो। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल आ रहा है माय फादर ऑलवेज ब्लैंक द ऑफिस इन टाइम, अब ये भी हैबिचुअल एक्शन वाला कार्य हो रहा है तो वर्ब की यहां पे रखिए, वर्ब की ब्लैंक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखिए। अब अपन क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस आ रहा है लेकिन अपने को ये देखना है कि माय फादर क्या है, माय फादर सिंगुलर है। जब सिंगुलर आता है तो नियम हमारा ये कहता है, रूल ये कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो हम यहां क्या करेंगे, रिच, अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाना है या एस लगाना है, कंफ्यूज है। लेकिन मैंने कल वाले वीडियो में बताया था यदि किसी वर्ब के अंत में क्या है, सीएच आए, क्या है, सीएच आए, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके साथ हम ईएस का प्रयोग करेंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा, माय फादर ऑलवेज रीचेस द ऑफिस इन टाइम। सेकंड रूल की बातें हम करते हैं टू एक्सप्रेस सर्टेन जनरल एंड परमानेंट ट्रुथ, यानी एक सामान्य सत्य होता है और एक स्थायी सत्य होता है, इनकी अगर बातें की जाए तो वो भी अपने किसी में काउंट होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट किया जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही वर्ब उसमें हम लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव अगर आ रहा है तो हम टू और डज का प्रयोग करेंगे और उसके साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइस ब्लैंक एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फ देर की है मेल्ट, कई बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या किया जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि आइस जो होता है जैसे आइस आ गया, पीपल आ गया, राइस आ गया, ये सभी किसमें काउंट होते हैं, ये सिंगुलर वर्ब में सिंगुलर काउंट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होते हैं, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे बर्फ के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइस मेल्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे आइस है वो सिंगुलर में काउंट होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ ना तो ओ आ रहा है वर्ब के अंत में, ना एसएच आ रहा है, ना सीएच आ रहा है, और ना ही जेड आ रहा है, तो हम ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे,
करेंगे तो क्या हो जाएगा आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक इसी प्रकार हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं द अर्थ राउंड द सन। ये क्या है, ये आपका जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा। अब आपको अर्थ जो है वो सिंगुलर में काउंट होता है तो यहां पर क्या होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। थर्ड रूल की बात करें तो थर्ड आता है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगनिंग विद देयर एंड हियर, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी किसी सेंटेंसेस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आ रहा है आप समझ जाओ। थर्ड रूल अपना आता है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगनिंग विद देयर एंड हियर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट प्रेजेंट मोमेंट, यानी वर्तमान समय में जो हो रहा है उसको आगे ले जाने के लिए अभिव्यक्त करने के लिए हमें किसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्यक्त किया जाता है। यदि किसी सेंटेंसेस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा हो और उसी के साथ देयर आ रहा हो और हियर आ रहा हो तो आप समझ जाना वो कौन से टेंस में जाएगा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में जाएगा। इसी प्रकार से दो एग्जांपल लिए हैं, हियर ब्लैक द बस, तो यहां पर हियर आ रहा है तो समझते हैं द बस क्या है आपका सिंगुलर है तो यहां क्या हो जाएगा हेयर कम्स। इसी प्रकार दे आर सी गॉड्स, ये होता है आपका एग्जाम्पल। इसी प्रकार हमारा फोर्थ रूल आता है टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट, यानी फ्यूचर में भविष्य में अगर कोई इवेंट अगर हो रहा हो और उसका पार्ट बन रहा हो जिसमें फिक्स प्रोग्राम हो या फिक्स टाइम अगर दिया हो तो वो भी अपना किसमें आएगा प्रेजेंट इंडेपेंडेंट टेंस में काउंट किया जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं वो फ्यूचर में ले जाते हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर दिख रहा है, जैसे यहाँ पर आ गया 9 o'clock तो वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर में होगा लेकिन ये फ्यूचर में नहीं जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेपेंडेंट टेंस होता है वो किस पर व्यक्त करता है, वो एक तो फिक्स टाइम हुआ और फिक्स अगर प्रोग्राम अगर हो रहा है तो उसको व्यक्त करेगा वो प्रेजेंट इंडेपेंडेंट टेंस में जाएगा और प्रेजेंट इंडेपेंडेंट टेंस आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार उसमें क्या आएगी रूल नंबर फिफ्थ आपका आता है टू एक्सप्रेस ए सबोर्डिनेट क्लास, जैसे आप क्लास समझते हो क्लास दो प्रकार है, क्लास जो होते हैं एक तो प्रिंसिपल क्लास होता है एक सबोर्डिनेट क्लास होता है, तो उसी में कहता है कि अब मैं थोड़ा सा क्लास के बारे में बता देता हूँ। प्रिंसिपल क्लास तो वो होता है जिसका उच्चारण हमें समझते हैं जिसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है और सबोर्डिनेट क्लास होता है जो प्रिंसिपल क्लास के ऊपर निर्भर करता है। अब कोई भी सबोर्डिनेट क्लास जो होता है वो हमेशा कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, उसमें कहता है कि सबोर्डिनेट क्लास में क्या हो टाइम हो और कंडीशन, और टाइम और कंडीशन सबोर्डिनेट क्लास में क्या आता है तो इफ आता है इन आता है और वेन आता है, और ये सशर्त वाले वाक्य होते हैं, ये सशर्त वाले वाक्य होते हैं, इनमें इसके हिसाब से वो किस में जाएंगे सीधा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे। एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ कि यदि आपको वर्ब की करनी है और वर्ब आए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लगे कि स्टार्टिंग क्या है इफ आई वेन है। एक छोटा सा नियम बताता हूं मैं कि यदि आपको वर्ब फिल करनी है स्टार्टिंग में इफ आई वेन आए या फिर सेंटेंस के बीच में टिल आए और ब्लैंक अगर आ रहा है आगे जो प्रिंसिपल क्लास जो है वो आप किस में जाए फ्यूचर में चला जाए। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि आपका प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर में हो, यदि आपका प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर में हो और सबोर्डिनेट क्लास, क्योंकि सबोर्डिनेट क्लास जो है वो हमेशा कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे सबोर्डिनेट क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब भरी जाएगी और आगे का जो क्लास है वो आपका फ्यूचर का होगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा इफ यू रन, यदि सेंटेंस दूसरा सेंटेंस इस प्रकार बोल दिया जाए कि इफ यू रन फास्ट ब्लैंक यू ब्लैंक
कैच द रेन, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा नियम उल्टा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये तो हो गया अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि इससे स्टार्ट हो रहा है, और अगला प्रिंसिपल क्लास किसमें चला जाएगा, विल रन। क्लियर? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका जो फिफ्थ रूल आता था वो एक्सप्रेस सबोर्डिनेट क्लास ऑफ टाइम एंड कंडीशन इंट्रोड्यूस बाय ए टिल और व्हेन, इससे अगर आ रहा है सेशन वाले बात क्या आ रहे हैं तो अपना किसमें चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। सिक्स्थ रूल आता है अपना टू बिगिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, आदेशात्मक वाक्य। यदि आदेशात्मक वाक्य किसी के साथ दिया जा रहा है, कहा जा रहा है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान हम कैसे करेंगे, कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, यानी सट जॉर वॉक, सट डाउन, सिट डाउन, ये चीजें अगर आ रही है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, अर्थात वो सब्जेक्ट जो है वो किसी के आदेश द्वारा दिया जा रहा है, जैसे सिट डाउन, तो इसका मतलब किसको कह रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यू बन जाता है। तो इसी प्रकार आप कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसकी शुरुआत होगी, आपको कहीं भी लगे कि भाई ये इंपेरेटिव सेंटेंस आ रहा है, स्टार्ट में कहीं भी लगे ब्लैंक है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो दैट इज नॉट इंपेरेटिव सेंटेंस, तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, वहां पर हम सब प्रयोग करेंगे किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ रही है आपकी, ओबे, तो यहाँ हो जाएगा ओबे योर पेरेंट्स। ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा, दी ट्रूथ ऑब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, स्पीक, स्पीक दी ट्रूथ। सेवन रूल अपना आता है टू कोटेड समवन एज, यानी किसी की परिभाषा दी गई हुई है, किसी के विचार व्यक्त किए गए हैं, तो वो भी हमारे किस में आते हैं, परजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे कालिदास सेज कोमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, तो ये अपना क्या है, कालिदास जो है ये किसी के द्वारा कहे गए कथन है, और कहे गए कथनों को हम किस में ले जाते हैं, परजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले जाते हैं। अब मान लो यहाँ पर ब्लैंक आ गया और आपको पता है कि कालिदास से कालिदास के द्वारा कहे गए हैं ड्यूटी ब्लैंक नो ऑर्नामेंट और आपकी वर्ब आ गई यहाँ पर नीड, तो आप क्या फील करोगे, आपको पता नहीं चल पाएगा, अगर आपको कोई याद है तो आपको पता हो जाएगा कि किसी के द्वारा कहा गया कथन है और कहे गए कथन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट देखा जाएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या यस, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यूटी जो हम सिंगुलर में मानते हैं इसमें क्या हो जाएगा, ड्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। ठीक इसी प्रकार किट सेज कोमा इनवर्टेड कोमा स्टार्ट ए थिंग फॉर ड्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यहाँ पर वर्ब क्या दी गई है, इज दी गई है, क्योंकि इज एम आर ये भी जो है सिंपल परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए बोले जाते हैं। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन वर्डों को अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए वर्ब जो है वो भरनी बहुत आसान हो जाएगी, आप तुरंत उनको कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज सम वर्ड्स दैट, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे कुछ शब्द हैं जो हैबिचुअल एक्शन में आते हैं, जैसे हो गया ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, डेली, फ्रीक्वेंटली, अर्जेंटली, एवरीडे, एवरी वीक, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, थ्रीस ए वीक, जनरली, ऑफन, समटाइम, यूजुअली, एक्सेट्रा, ये यदि आ रहे हैं और ये वर्ड अगर आपको याद है तो आप जैसे ही सेंटेंस देखोगे, जैसे आया माई मदर ब्लैंक वाटर एंड आई ब्लैंक राइस एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या आ गया, एवरी मॉर्निंग आ गया, तो आप समझ जाओगे आपको कौन सा टेंस आएगा, परजेंट इंडेफिनिट टेंस से जाएगा। वर्ब क्या रखी है, वर्ब रखी है बॉय, तो आप यहाँ क्या हो, सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई मदर किस में जाएगा, माई मदर बॉयज, और उसके बाद माई मदर बॉयज वाटर एंड आई बॉइल राइस एवरी मॉर्निंग। तो इसी प्रकार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, परजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको आप अगर याद कर लोगे, जिनको इन शब्दों को अगर आप याद कर लोगे तो अच्छी तरह से आप पहचान जाओगे कि ऑलवेज हुआ, नेवर हुआ, सेल्डम हुआ, डेली हुआ, फ्रीक्वेंटली हुआ, परजेंटली हुआ, एवरी डे, एवरी वीक, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, थ्री ए वीक, यूजुअली, समटाइम, ऑफन, जनरली, ये यदि आ रहे हैं तो आपको पहचान जाओगे ये किस में चले जाएगी, वर्ब
जाएंगे इंडेफिनिट टाइम के अंदर चली जाएगी और आपको पहचानने बिल्कुल आसान हो जाएगा। बाकी ये जो वीडियो था ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आज खत्म होता है। कल हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।